खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जीत पर अड़ तो सही। आदित्य क्लास विद्यापुर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय इतिहास से रहेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कारण महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है रहेगी और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये इसमें से सभी कंटेंट और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में, इसकी स्थापना, इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास हम लोग की चल रही है और छोटे छोटे टुकड़े में इतने क्लास करने के बाद जो है हम लोग की पूर्ण रूप जो है आप लोग को बताने के बाद कहीं से भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। ये क्लास चल चुका है कथन का, गवर्नर जनरल का, इसका क्लास, और आज हम लोग की क्लास लेने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे और चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे ये भारत रक्षा बना हुआ है, थोड़ा हल्का जरूर हो गया होगा। और सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन अधिवेशनों के विषय में, चार अधिवेशन के विषय में आप देखेंगे। पहला अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था मुंबई में, दूसरा अधिवेशन आप देख रहे होंगे कलकत्ता में हुआ था, तीसरा याद रखिएगा अधिवेशन मद्रास में, और चौथा जो है इलाहाबाद में हुआ था। चारों के विषय में डिटेल पूछता है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम सम्मेलन होने वाला था पूना में, याद रखिएगा कहा, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन प्लेग रोग फैलने के कारण पूना में न होकर बंबई में हुआ, ठीक है। इसके विषय में आप कई बार पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ ले चल रहे हैं। जो लोग नए भी होंगे तो आसान शब्दों में इसको डाला गया है वाक्यों में ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसे कहने पर हुआ, तो संघ से कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुआ, ये भी एग्जाम में आता है अक्सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, किस वर्ष इसकी स्थापना होता है, तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। स्थान कहाँ, तो बंबई में। संस्थापक कौन थे, इसको तो ए हुन थे, और इसकी जीवनीकार ए हुन के विलियम विटनबर्ग थे, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष ब्यूमस चंद बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल डफरिन होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था, कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता, याद रखिएगा। सर्वप्रथम कांग्रेस की जानकारी द हिंदू समाचार पत्र में मिलती है, जिसके संपादक वी राघवाचारी थे, ठीक है। भारतीय असंतोष को समझने वाला प्रथम अंग्रेज एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम ने दो सिद्धांत दिए, पहला सेफ्टीवाल का सिद्धांत और विद्युत प्रतिरोध का सिद्धांत या तड़ित चालकता का सिद्धांत किसने दिया था, एओ ह्यूम ने दिया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1886 में, 1893 में और 1906 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का कथन था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को अंग्रेज सरकार ने असफल बनाने का पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। 1947 आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन मुंबई में 1889 में होता है, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडनबर्ग होते हैं। इस पांचवें अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है कि एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा जाएगा। अब लोग आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चारों अधिवेशन के विषय में, पहले देखा जाए इसको, ठीक है। जैसे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि भारतीय आपके एग्जाम में ये आप ये मान के चलिए जहां तक हम लोग का अनुभव रहा है, ये चार अधिवेशन के विषय में डिटेल आपको जानना चाहिए। बाकी अधिवेशन के विषय में पूछता भी है तो ये अधिवेशन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे और क्या इसमें से एक मुख्य बात हुई थी, ये देखना रहता है, जिसकी चार्ट इसी वीडियो में लास्ट में आपको बना के दिखाया जाएगा। लेकिन चारों के विषय में डिटेल आपको जानना होगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ देख लिया गया है। पहला देखिएगा, पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, मुंबई में, महाराष्ट्र में। कब हुआ था, 28 दिसंबर
1885 हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दूसरा कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और पश्चिम बंगाल 1886 में हुआ था, यानी एक साल बाद। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो ये दादा भाई नौरोजी बनते हैं। आप जानते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन पूछे कहाँ हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन याद रखिएगा मद्रास में 1887 में हुआ था और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे, प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। चौथा अधिवेशन याद रखिएगा जॉर्ज, चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था, ये 1887 हुआ था और इसकी जो है चौथा अधिवेशन जो है जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, ठीक है। अब लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे मेरी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के समान अध्ययन के लिए जो सभी विषय के लिए कंपल्सरी होता है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक एडवर्टाइजमेंट 51 का एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, यानी एक ही चीज को जब आप तीन बार पढ़ेंगे तो आपको जो है कुछ कंटेंट याद भी हो जाएगा और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसकी डिजाइन ऐसे तैयार की गई है कि पहले आप ई पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर उसको वीडियो देखेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे और लास्ट में आपको समय मिलेगा तो फाइनल टेस्ट दीजिएगा, यानी तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। याद रखिएगा अभ्यास करने से पूर्णता आती है, जितना आप एग्जाम से पहले अभ्यास कर लेंगे मैक्सिमम चीजें आपको क्या आता है कैसे आता है ये सब क्लियर हो जाएगा और याद करने में आसानी रहेगी। इस टेस्ट पेपर में याद रखिएगा आपको ई पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे हिंदी में अंग्रेजी में, और 2014 से लेकर अब तक जितने पेपर हुए हैं सबके साल और पेपर इसमें दिए जाएंगे आपको। इसमें रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट किया जाएगा, दिया जा रहा है, दिया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में सभी हेडिंग के अनुसार आपको क्लास मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कुछ आते भी हैं तो अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट का पूरा लाभ लेने के लिए आपको टेस्ट पेपर जरूर लेना चाहिए और स्टेज 3 के रूप में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए, ठीक है। इसलिए आपको टेस्ट पेपर जो है अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए जरूर परिचय करना चाहिए। इस टेस्ट पेपर में वन रूफ के नीचे ही सब कुछ है, यानी कि आपको टेस्ट याद रखिएगा, वीडियो, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा जो एक अच्छे एग्जाम तैयारी करने के लिए चाहिए। ये हम टीम द्वारा 4 बुक लिखा गया है, याद रखिएगा चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है। इसे आप चाहें तो अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, मंगाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी फ्री है और साथ में ये बुक आपको फ्री में मिलेगा। ये मार्कशीट की बुक है, ये मात्र 499 में अभी आप ले सकते हैं लिमिटेड ऑफर तक, कुछ दिन बाद जो है ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस चारों बुक में आपको जो है लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी एग्जाम को देने से पहले, इसमें के सभी प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ के और लास्ट में जो फ्री में आपको मार्कशीट दी जा रही है इसे प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए ताकि आपके स्कोर जो है बढ़े। और जिन लोग को हमारे टीम से जुड़ना हो तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है इससे भी जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो का लिंक होता है इस पे भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं क्लास में आगे। अब हम लोग चारों अधिवेशन के विषय में देखेंगे, प्रथम अधिवेशन की क्या विशेषता थी। प्रथम अधिवेशन स्थान मुंबई महाराष्ट्र में 28 दिसंबर 1885 हुआ था, ध्यान से देखिएगा सब एग्जाम में आते हैं एक एक लाइन। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सर्वाधिक 38 प्रतिनिधि मुंबई से, उसके बाद मद्रास से 21 प्रतिनिधि आए थे। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डिप्टी करते थे यहाँ उठाता है। उत्तर प्रदेश उस समय नाम था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 7 प्रतिनिधि गए थे, पंजाब से 3, बंगाल से 3 प्रतिनिधि आए थे। दूसरा अधिवेशन में देखिए क्या पूछता है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में 1886 में हुआ था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी इस द्वितीय अधिवेशन में हुए थे, ठीक है। तीसरा अधिवेशन देखिएगा, तृतीय अधिवेशन का स्थान मद्रास था 1887 में और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन निम्नलिखित विशेषता थी, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से आते हैं। पहला कि इस तीसरे अधिवेशन के बाद अंग्रेज सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गए। इस अधिवेशन में प्रथम बार अंग्रेज सरकार की सर्वाधिक सार्वजनिक रूप से आलोचना किया गया था। इस अधिवेशन में अंग्रेजी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया था, तो तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। पूछ सकता है किस अधिवेशन में अंग्रेज विरोध में आ गए, तो जो है तीसरे अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस तीसरे अधिवेशन में
जनता से चिंता लेकर संपन्न कराया गया। पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को जनता से पैसा लेकर कराया गया, तो तीसरे में। ठीक है, आते हम लोग चौथे अधिवेशन में, चतुर्थ अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यह अधिवेशन इलाहाबाद 1888 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को समर्थन मिला। सर सैयद अहमद खां 1888 में इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन किया। वाराणसी के तत्कालीन राजा शिव प्रसाद इनको सितारे हिंद उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा, का समर्थन मिला सितारे हिंद। ठीक है, दरभंगा बिहार के शासक ने लोथर काउंसिल क्षेत्र को खरीद कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दे दिया, जिसका वर्तमान में नाम दरभंगा कॉलोनी इलाहाबाद प्रयागराज में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इससे ही प्रश्न आते हैं। और आप सबसे, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक न किए हो, लाइक करने वाला वीडियो लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए। बिल्कुल आपके समय को बचाते हुए शॉर्टकट में मेन मेन चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी की चर्चा की जाती है, जिसमें खास तौर पर आपके समय को ध्यान दिया जाता है। जो लोग वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ठीक है, इससे प्रश्न क्या आते हैं, देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन में देखा जाए, यह अधिवेशन दिया गया है, स्थानीय आप देखेंगे, अध्यक्ष देखेंगे और क्या विशेषता थी जो अक्सर एग्जाम में पूछता है उसके विषय में देखेंगे। ठीक है, 1885 में कहाँ हुआ था, बंबई में। अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे, प्रथम महासचिव ईओ हूं थे। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। 1887 मद्रास में हुआ था, सैयद जी बने थे अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज। 1896 पूछा जाता है, कलकत्ता में हुआ था और रहमतुल्ला इस्यानी बने थे अध्यक्ष और प्रथम बार वंदे मातरम यहाँ गाया गया, याद रखिएगा। 1905 में वाराणसी में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और स्वदेशी की मांग की गई थी। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, राज बिहारी बोस अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ था। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया कब, 1911 में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस लीग का समझौता हुआ था, याद रखिएगा। 1917 में कलकत्ता में स्थान हुआ था, एनिवेशन और जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ था। पुनः 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी थे, असहयोग आंदोलन जो है पारित हो गया था। अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता पुनः देखेंगे। 1924 में बेलगांव में हुआ था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। 1924 बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे और मात्र एक बार गांधी जी बने थे। ठीक है, 1925 में कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू बनी थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला की बात होगी तो सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला होगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया था, एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। 1929 में लाहौर में और जो है अध्यक्ष पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज जो है का इसमें मांग किया गया था 26 जनवरी 1930 को। 1931 के अधिवेशन में कराची में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, मूल अधिकार पारित हुआ था, गांधी मर सकता है और गांधीवाद नहीं, ये यहीं पे नारा दिया गया था। 1937 में फैजपुर में हुआ था, याद देखिएगा, पंडित नेहरू अध्यक्ष थे और प्रथम बार गांव में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया, अगला चैप्टर महात्मा गांधी के आंदोलन से रहेगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें
चार बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फार बुक लिखकर भेज सकते हैं।